यार आप ये देखो, अच्छे से देखो भाई, कितना सही सीन है यार। पता नहीं भाई इन्होंने क्या सोचा है, क्या मंत्र फूका है भाई अपनी जिंदगी में। और पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इससे बोला कि भाई तू मेरा यार है, और इसने मुझसे बोला हाँ तू भी मेरा यार है। Hey guys, welcome back to another vlog। और होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो अगर यार आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा होगा ना, तो पता है मैं कहाँ था? मैं इस लोकेशन पे हूँ, ठीक है। तो पहले बता दे रहा हूँ, इससे पहले वाला व्लॉग जाके चेक करो, मैं यहाँ विजिट कर चुका हूँ। अब यहाँ से आगे का व्लॉग बना रहा हूँ, तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं अल्मोड़ा, जो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और फिर भी यार एक और बार तुम ये देख लो, ठीक है? पूरा अच्छे से व्लॉग देखना हो ना, इससे पहले वाला व्लॉग जाके देखना, इससे फुल एंजॉय करना, लाइक करके आना, और इस वाले व्लॉग को पूरा देखना भाई। आगे हम कहाँ जा रहे हैं हमें नहीं पता, बस अल्मोड़ा जा रहे हैं इतना पता है। तो देखते हैं भाई आगे कहाँ पहुँचते हैं हम। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। ऐसी जगहों पे आने में तो मज़ा आ जाता है, लेकिन पता है वापस जाने में बहुत दिक्कत हो जाती है। देखो अभी हमें इतना ऊपर जाना है, बुरा हाल होने वाला है। सुबह से हम दोनों ने कुछ खाया भी नहीं है, पता है ऐसे पागल हो गए ना हम घूमने घूमने के चक्कर में। हमें खाना वाना भूख प्यास कुछ नहीं लगती यार, ना नींद आती ना कुछ। मैं तो 3-4 घंटे सोता हूँ बस, और अभी चढ़ना स्टार्ट ही करा भाई। मुझे थकान हो गई भाई कसम से, सुबह से ड्राइव कर रहा हूँ एक तो। और अभी ऊपर जाने में यहाँ से पता है आफत आने वाली है, क्योंकि मैंने और हर्ष ने सुबह से कुछ खाया भी नहीं। हम लोगों ने सुबह से बस सफर ही सफर करे जा रहे हैं। खैर जल्दी से यार पहुँचना है, वैसे मुझे मैं थक चुका हूँ सच में बहुत ज़्यादा। और अभी ऊपर मैं दिखाता हूँ कि कितने ज़्यादा कच्चे रास्ते से हम लोग बाइक को लेकर आए। ऊपर चढ़ाने में बहुत दिक्कत होने वाली है, पर मज़ा आया यहाँ आके, सच में मज़ा आया बहुत। और गाइज ये वाटरफॉल का नाम ढोकने वाटरफॉल, हमें नहीं पता था, बस हम वाटरफॉल के नाम से ऊपर चल के आ गए थे। और अभी भी हमें इतना ज़्यादा जाना है, मतलब इतना वहाँ जाना है, वहाँ से बाइक लेके जाना है। कहाँ मतलब दिखाता हूँ मैं भी ऊपर, बहुत ज़्यादा ख़राब रोड है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जैसे कि चलते हैं ऊपर, दिखाता हूँ फिर आगे कहाँ। ओ भाई आ जाओ, ओ भाई ये तो ज़्यादा ही सामान दे दिया, सॉरी भाई। आजा आजा आजा, वो दे वो तेरी है, ए झापड़ में तेरी तकदीर बदल दूंगा। चलो ये अपना सेटअप रेडी हो चुका है, बस तू क्या देख रहा है नीचे है? क्या देख रहा है? गहराई काहे के लिए? मैं सोच रहा हूँ कल के पेपर में क्या, कल के पेपर में न्यूज छपेगी, एक दोस्त है दूसरे दोस्त को धक्का दिया। हाँ और फिर मुझे बहुत बुरा लगेगा, मैं अकेले घर जाऊंगा और फिर तेरी मम्मी को क्या बोलूंगा भाई, हर्ष कहाँ रह गया ना। ये थोड़ी कह सकता मैंने तुझे धक्का दिया। यार गाइस पता है रोडे बहुत ही सही है यार यहाँ की, बहुत ही मजा आ रहा है यहाँ पे चलाने में। और यार सुबह से पता है हम 125 किलोमीटर मतलब अभी तक आ चुके हैं, अभी 25 किलोमीटर आगे और जाना है हमें, 25 किलोमीटर मोर, देन फिर जाके रेस्ट मिलेगा यार। अभी जाके व्लॉग्स भी एडिट करने हैं गाइज। अभी यहाँ से 20 मिनट की राइड अभी और बच रही है अल्मोड़ा के लिए। भाई थक गए बहुत, गंदा वाला यार, 140 किलोमीटर ऑलरेडी गाड़ी चला चुका है, बाइक चला चुका है। और अभी देखो हम ऐसे रोड पे बैठे हैं हम दोनों, ये देखो बाइक खड़ी है अपनी, हम ऐसे बैठे हुए हैं। स्किन केयर हो रहा है अभी, ठीक है, सेलिब्रिटी है ना ये, स्किन केयर हो रहा है, ठीक है। तो अभी बस यहाँ थोड़ा सा 5 मिनट और बैठेंगे जल्दी से, फिर चलते हैं यार फटाफट से पहुँचते हैं। बहुत ज़्यादा गंदी भूख लग रही है, क्योंकि 5 बज चुके हैं ऑलरेडी, चलते हैं। और आज का ना वाटर इनटेक हमारा आधा लीटर का भी नहीं हुआ है, पता है बिल्कुल पानी नहीं पिया, होठ भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं इसी वजह से। इसको तो भाई नींद आ रही है बैठे बैठे, बाइक में बैठ के सो रहा है यार ये, कह रहा भाई तुझे नींद नहीं आ रही क्या? मुझे ऐसा डर हो रहा है पता है रास्ते में चलाते हुए कि भाई गिर ना जाए बाइक से, क्या होगा भाई ब्लॉक बन जाएगा, बहुत सेट सिस्टम हो जाएगा यार कसम से। पता चले तू अकेला पहुंच गया। मैं अकेला ही पहुंचूंगा फिर। चलो यार पहले पहुंचूंगा, भाई
आधे घंटे से हम पता है घूम रहे थे और अब जाके हमें कुछ खाने की जगह मिली यार यहाँ पे। और अभी 6 बच्चों का भी ये नहीं पता है, अल्मोड़ा में ही रुकने वाले हैं या हम आगे जाएंगे। तो गाइस आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका था हम ऐसी मतलब ढूंढते हुए जगह कहीं मिल जाए कुछ खाने वाने के लिए। और अभी जिन भैया से मैंने बोला था स्टे के लिए पता करा था तो वो उनका फ़ोन अभी स्विच ऑफ आ रहा है, मतलब नेटवर्क नहीं लग रहे हैं उनके, कहीं बिजी होंगे शायद। फिलहाल टाइम कितना हो चुका है, टाइम हो चुका है 6:30। और अभी ये नहीं पता है कि हम अल्मोड़ा में रुक रहे हैं या क्या है, कौसानी जा रहे हैं, मुझे अभी नहीं पता है। लिटरली कौसानी यहाँ से 52 किलोमीटर्स और है, मान के चलो 1.5 घंटा और ड्राइव है यहाँ से कौसानी की। तो मुझे लिटरली नहीं पता है हम यहाँ रुक रहे हैं या कौसानी जा रहे हैं, या मैं एक जगह और बोला था नंदा देवी आई गेस बोला था, वहाँ का भी मेरे को अभी कुछ नहीं पता है कि मैं कहाँ रुक रहा हूँ आज रात। बट यार आप ये देखो, अच्छे से देखो भाई कितना सही सीन है यार। और हमारा भाई ऐसी हालत हो चुकी है ना, मतलब मैं कुछ बता भी नहीं सकता कि भाई कितनी गंदी हालत हो चुकी है। सुबह से पता है सुबह कितने बजे निकल गए थे हम, 8 बजे तक निकल गए थे आई गेस, 8-9 बजे तक निकल गए थे। कल रात से हमने अभी जाके पानी पिया, पता है अब जाके पानी पिया यार। सुबह से तो कुछ खाया ही नहीं है, वैसे भी खाया तो अलग नहीं है, पानी तो कल रात से नहीं पिया है। सोचो भाई, मतलब ब्लॉगिंग लिटरली इतनी ईजी नहीं है, होती है लोगों के लिए बट अभी हमारे लिए इतनी ईजी नहीं हो रही है चीज़ें करनी। धीरे धीरे सीख जाएंगे चीज़ें, देखते हैं भाई अभी इसके बाद क्या प्लान बनता है। फिलहाल तो बहुत गंदी वाली भूख लग रही है, चक्कर आ रहे हैं हम दोनों को, बॉडी ऐसे कपकप आ रही है ना बहुत ज़्यादा। यार देखो मेहनत बहुत है, कुछ ज़्यादा ही मेहनत है। देखो ये एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोरेशन तो हो रहा है बट थोड़ी सी मेहनत के लिए लाइक कर दो यार। भाई हमारे लिए नूडल्स लाए हैं और अभी हम लोगों ने ऑर्डर करे हैं काटी रोल्स, ताकि थोड़ा पेट तो बढ़ जाए भाई। फिर पता नहीं कहाँ जाएंगे कहाँ नहीं जाएंगे, कुछ नहीं पता है, लेट्स सी क्या होता है भाई। सो गाइस अभी हम हैं अल्मोड़ा में और हमें पता नहीं है कि हमें अभी रुकना कहाँ पे है, अभी हम डिसाइड ही नहीं कर पाए हमें कहाँ रुकना है। और ये सब आज जो तबीयत बहुत ज़्यादा वीक हो गया, मैं ख़राब हो गई, चक्कर आ रहे, नींद आ रही है बाइक पे, उनका जो जितना भी श्रेय है सिर्फ एक इंसान को जाता है और वो है ये हमारे सैम भाई। पता नहीं भाई इन्होंने क्या सोचा है, क्या मंत्र फूका है भाई अपनी ज़िंदगी में, और पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने इससे बोला कि भाई तू मेरा यार है और इसने मुझसे बोला हाँ तू भी मेरा यार है। यार है कहानी हिल गई है, कुछ भी मतलब भाई हम कुछ भी नहीं समझ पा रहे क्या हो रहा है। सैम भाई प्लीज कैमरा में देख के अपनी टिप्पणी दीजिए इस जगह के बारे में। तो यार पता है अभी पता चला है कि कौसानी यहाँ से 52 किलोमीटर दूर है ना, बता रहा था मैं तुमको। तो क्या सीन है यार, भैया यहाँ पे बता रहे हैं कि कौसानी पहुँचते हुए तुम्हें 3 घंटे लग जाएंगे, रास्ता वास्ता भटक गए तो और ख़राब सीन हो जाएगा। तो अभी हमारा प्लान बना है 7 बच्चों का, अभी फिलहाल हमने कुछ खाया भी नहीं, वो काटी रोल मंगाया भाई मैंने, ये पहले खा लें, पहले ये खा लें फिर इसके बाद अभी देखते हैं यार कहीं अच्छा तो होटल मिल ही नहीं रहा यार। मैंने सर्च करा, अभी सर्च करता हूँ कोई अच्छा रूम मिल जाए मेरे को, देखते भाई वहीं आज स्टे करते हैं। फिर अभी ब्लॉग भी एडिट करना है यार, दोनों में एक ब्लॉग तो एडिट करना है, बहुत थक गए सुबह के निकले हुए हैं। रूम पे पहुँचते हैं फिर आपसे यार अभी तो थोड़ी देर बाद मिलूंगा, ठीक है अभी मिलता हूँ थोड़ी सी देर में, मिलता हूँ रुको जरा। तो ये थे हमारे चैनल के फाउंडर मिस्टर सैम रिचर्ड। तो दोस्तों बस इतना ही कहूँगा कि यार मेहनत बहुत लग रही है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक तो कर ही दो यार। देखो मेहनत देखो, क्योंकि सोचो हम बाजपुर से यहाँ अल्मोड़ा बहुत दूर हो गया ना, बाइक से आना जाना बहुत बहुत परेशानी। तो प्लीज़ यार लाइक वगैरह करो और रीचेस मत गिराओ। देखो रीच तो तुम अब भी नहीं कर पाओगे सैम भाई की, पर रीचेस मत गिराओ यार, लाइक करो सब्सक्राइब करो। तो गाइस अभी फिलहाल टाइम हो रहा है 8:30 और रूम का अरेंजमेंट थोड़ा लेट हुआ हमारा, बिकॉज हम कहीं और जा रहे थे बट अब हम अल्मोड़ा ही रुके हैं, काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। और यार देखो भाई जहाँ मैंने रूम लिया आज, ये चेक करो भाई, फुल मॉड्यूलर किचन मिला है और ये रूम देखो भाई, भाई स्टडी टेबल भी मिली, रात में व्लॉग नहीं एडिट होगा, कैसा लगा रे? तो चलिए तरह भाई फुल देखो भाई सेट लग रहा भाई, ये देखो फुल भाई सिस्टम, नहाने वाने का क्याड़ा दे रखा भाई इन्होंने, जो भी भाई फुल पैसा वसूल हो गया यहाँ आके तो कसम से। और अभी
और अभी फिलहाल हम लोग बैठ के बहुत ज़्यादा टायर हो चुके हैं, पहली बात तो ये है। और अभी मैं बैठ के मुझे एडिटिंग कर रही है काफ़ी ज़्यादा, और देखते हैं बैठ के कुछ बातें करेंगे आप लोगों से, एक्सपीरियंस बताते हैं आज का कैसा रहा। बाकी फिर से देखो मुझे तुम यार, मैं सही लग रहा हूँ, ये मिरर सेल्फी अच्छी आएगी ना, अच्छे लगेंगे भाई। तो अभी थोड़ी सी देर रुको, फिर मिलता हूँ। So, hi Sam. A very good morning. So, how's your day yesterday? तो भाई बहुत ही अजीब था आज का दिन तो। और ये देखो अभी टाइम हो रहा है 2:14, दिख रहा है। और लिटरली यार आज का दिन बहुत ही ज़्यादा अजीब रहा हमारे साथ, बिकॉज यार खाना वाना भी हमने नहीं खाया था, ना पानी वानी पिया था। और अभी भी बैठ के पता है मैं एडिटिंग करके ख़त्म करी है और अपलोड कर रहा हूँ बैठ के, एक घंटा हो चुका है 4K में प्रोसेस कर रहा हूँ वीडियो। उधर हर्ष की अभी रात में तबीयत ख़राब हो गई थी तो सो गया, तो दवाई वगैरह खा के मैं तब से जगा हुआ हूँ भाई, मेरी नींद मुझे आ भी नहीं रही है भाई काम की वजह से, कि हाँ यार काम भी करना है, फिर कल निकलना भी, कल सुबह जाना भी, यार समझ नहीं आ रहा भाई। ट्रिप पे तो निकल चुके हैं बट ये नहीं पता भाई कैसा सीन बैठेगा। भी हर्ष ने भाई मेरे लिए क्या बनाया, ब्लैक टी बना के दी है, यही पड़ा था तो भाई यही मिला भाई खाना, भूख लग रही लिटरली बैठ के। और अभी कुछ मंगाने का भी कुछ सीन नहीं है, तो अभी भाई ब्लैक टी से काम चला रहा हूँ, अभी देखते हैं 1-2 घंटा लगेगा, सुबह 4 बजे तक सोऊंगा, फिर 7 या 8 बजे उठ जाना है फिर से। यार देखो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना हम लोग, तो थोड़ा भाई सपोर्ट दे दो यार प्लीज़, यार लाइक कर दिया करो वीडियो को। और ये देखो अभी भी भाई ये अभी तक नहीं डली है भाई, अभी भी देखो 4K में प्रोसेस हो रही है, 60 मिनट लेगी। चल देखा एक चीज़ बोलता हूँ। सो है गाइस, जैसा कि आप लोग सारे जानते हो कि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट है अपनी लाइनें शेयर करने में, तो 4 लाइनें जो मैं आपको सुनाना चाहूँगा, तो कुछ ऐसे हैं कि हर बार कहा दिल से चल भूल जाओ उसे, हर बार कहा दिल से चल भूल जाओ उसे, पर हर बार दिल ने कहा तुम दिल से नहीं कहते। क्या बात है। अब ना भाई रात के ना 2 बज रहे हैं, इसे थोड़े बहुत दौरे वोरे चढ़ रहे हैं ना अकेलेपन के आज, नहीं तो भाई दिल टूटा आशिक हो रखा है आजकल शायद ही। किसने दिल तोड़ा ये तो बता दे, क्या किसने दिल तोड़ा इसका, मेरा आपने? तो भाई इस व्लॉग को यही एंड करते हैं, अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन मिलते हैं अगले व्लॉग में।